बात दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों की, जो अपनी मांगों के साथ दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। और आज इसी कोशिश में पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जो विरोध और हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली वो अच्छी नहीं है। लेकिन कल से आज तक के घटनाक्रम को देखने के बाद इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं किसान आंदोलन की आड़ में कुछ और प्लानिंग तो नहीं हो रही है, कहीं किसान आंदोलन की धार से सरकार पर सियासी प्रहार की बंदूक तो नहीं भरी जा रही। किसान आंदोलन की आज जो तस्वीरें दुनिया ने देखी वो चिंता बढ़ाने वाली और डराने वाली हैं। कहां चंद घंटे पहले तक शांति की बात हो रही थी और उसके बाद ये आंसू गैस के गोले, लाठियों का प्रहार और पत्थरों से पलटवार। आखिर क्यों, वो कौन है जो नहीं चाहता कि सरकार और किसानों के बीच बात बन जाए? पराली जलाने जैसे विषयों को की और जलवायु में इसका विषय को कृषि क्षेत्र को नहीं लाना चाहिए, तो ये सारे नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। आखिर जब बातचीत का मुद्दा पहले से तय था, सरकार बात भी कर रही थी, तो नई मांगे कहां से आ गई? आखिर नई मांगों के मायने क्या हैं? ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर वो कौन है जो नहीं चाहता कि देश में अन्नदाता को इंसाफ मिले, उनकी मांगे पूरी हो। मांगों की टाइमिंग भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि देश में चुनावी माहौल की पटकथा अपने क्लाइमेक्स मोड़ पर है। इसी समय को आंदोलन के लिए क्यों चुना गया? सूत्रों के मुताबिक पिछले आंदोलन के दौरान किए गए कुछ वादे अधूरे रह गए, उन्हें पूरा कराने के लिए किसान चुनाव से पहले दबाव का इसे सही समय मानते हैं। किसानों को संशय है कि अगर वादे अभी पूरे नहीं हुए और नई सरकार आ गई तो फिर वो अपने पहले के वादों से मुकर जाएगी, ऐसे में पहले की गई मांगे धरी रह जाएंगी। सवाल ये भी है कि अगर सरकार ने कभी बातचीत के दरवाजे बंद ही नहीं किए तो संशय कहां से आया? सवाल उन राजनीतिक पार्टियों पर भी कहीं न कहीं जरूर आएंगे जो 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ ताल ठोक रही हैं, क्योंकि किसान आंदोलन के ऐलान के बाद राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों के पक्ष में बयान जारी किए थे। महज 3 दिनों के भीतर आज राहुल गांधी ने एक बार फिर MSP पर गारंटी देने का अपना वादा दोहराया, ट्वीट कर लिखा, न्याय पथ पर ये कांग्रेस की पहली गारंटी है। किसान दिल्ली के ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टियर गैस चलाई जा रही है। मैं पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं, वो फिर से अपने हकों के लिए लड़ने के लिए फिर दिल्ली पहुंचे हैं। अपने बड़े नेताओं के पीछे आज कांग्रेस के कुछ दूसरे नेताओं ने भी हुंकार भरी, हालांकि ऐसे संवेदनशील समय में उन्हें भी शांति की अपील करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। जो पार्टी श्वेत क्रांति के लिए जिम्मेदार थी, वही पार्टी आज गारंटी दे रही है अंबिकापुर से कि MSP को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। सियासत के इस यज्ञ में अरविंद केजरीवाल ने भी विरोध की आहुति डाली। दिल्ली सरकार ने बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने के लिए दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, साफ कह दिया किसान इस देश के अन्नदाता हैं और उन्हें जेल में डालना सही नहीं होगा, ऐसे में बवाना स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और किसान नेता राकेश टिकैत भी किसानों के साथ उबलते नजर आए। आखिरकार किसान को MSP क्यों नहीं, या MSP देना नहीं चाहती सरकार? हालांकि ये हमला नया नहीं है, इसी पैटर्न पर साल 2020 और 21 में भी सियासी दलों ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सरकार को डर है कहीं किसान आंदोलन के बीच उभरी सियासत के बीच कोई षड्यंत्रकारी खेल न कर दे। बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकार को जानकारी मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो। किसान देश के अन्नदाता हैं, उनकी जायज मांगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जो किसानों को देश की 4 जातियों में गिनती है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए कि घर की लड़ाई में कोई बाहर वाला रोटी न सेक पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसानों के लिए बॉर्डर पर इस नाकेबंदी से आज दिल्ली वाले बेहाल हो गए। स्कूल जाना हो, दफ्तर जाना हो या फिर अस्पताल, आज दिल्ली वाले हांफ गए, सिसक उठे। हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उनकी वजह से किसी दूसरे नागरिक को सिसकना ना पड़े।
परेशानी होती है सर। अब बाकी सरकार का और किसानों का मसला है ये। एक बताओ, ड्यूटी वाले कैसे ड्यूटी करेंगे? दिल्ली कूच करने के इरादे से अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा लग गया था। किसान किसी भी हाल में अपनी मांगें पूरी करवाने पर अड़े रहे, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, जबकि पुलिस ने कटीले तारों का जाल भी बुन रखा था। दरअसल पुलिस वाले सुबह से ही यहां डटे हुए थे, लेकिन मुश्किलें दिल्ली और उसके आसपास के सटे बॉर्डर एरिया की बढ़ गई। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि यहां लोग सुबह से ही परेशानियों से दो चार होते रहे। जो आज दिल्ली कूच का उन्होंने आह्वान करा था, वो दिल्ली की सीमा के अंदर ना प्रवेश कर पाए। अब एक लेयर और आगे भी अगर आप देखेंगे तो सेम तस्वीर आपको आगे की तरफ दिखाई देगी। एक घंटे में पहुंचना था। अभी मतलब स्थिति क्या लग रही है कि मतलब एक घंटा इसी पुल को पार करने में लग जाएगा? लग तो रहा है कि एक घंटे लग जाएगा। IGI एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते हो या सुबह गुरुग्राम के रास्ते हो, आम लोगों के लिए ये भयानक जाम किसी सजा से कम नहीं था। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। दिल्ली आने वाली बसों से यात्रियों को पहले ही उतरने पर मजबूर होना पड़ा। बसें यहाँ पे बंद है तो फिर बस वाले भी उतारेंगे, कहाँ जाएगी बस? पैदल ही आप लोगों को जाना पड़ रहा है। अब यहाँ से आगे तो पैदल ही जाना पड़ेगा। हाँ। तो और कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी जब 2 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था तब भी यही स्थिति थी? पहले तो और ज्यादा इससे ज्यादा बुरी स्थिति थी। पहले तो विश्वमिल तक ही किसान बैठे हुए थे, पूरा रोड जाम था। तो हाथ पैर से तंग है, हम तो फिर भी जाना पड़ेगा। यहाँ तक कि मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस भी रास्ता बंद होने से मुश्किल में पड़ गई। आप देख लीजिए, ये समय स्थिति है यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर, जहाँ पर हर तरफ से लोगों को परेशानियां ही परेशानियां लगातार हो रही हैं। ये आप देखिए, एम्बुलेंस है, क्रिटिकल केयर पेशेंट है, लेकिन पेशेंट्स भी बॉर्डर को पार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है उस किसान आंदोलन की सुगबुगाहट की जमीनी हकीकत। दिल्ली कूच के चलते दिल्ली और हरियाणा में धारा 144 भी कई जगह लागू की गई, जबकि दिल्ली के 3 प्रमुख बॉर्डर एरिया सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर में लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड लगाए गए, ताकि दिल्ली को सुरक्षित रखा जा सके। दिल्ली में 2 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद किए गए। दिल्ली नोएडा के बॉर्डर से सटे स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। लाल किले में भी एंट्री बैन थी। लोग जाम में फंसे रहने के लिए मजबूर दिखाई पड़े। हरियाणा सरकार ने 15 जिलों में धारा 144 लागू की थी, जबकि कई जगह इंटरनेट सेवाएं बंद रही। वैसे नोएडा आने जाने वाले रास्तों पर भी हालात कोई जुगा नहीं थे। यहां भी रेंगती गाड़ियां बता रही थीं कि आज का दिन भारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।